किसान महापंचायत में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, बड़ी संख्या में नौजवान साथी उपस्थित, हमारे पत्रकार साथियों, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष कोवन देवेंद्र सिंह जी, समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय रामजीराज सुमन जी, विदेश के पूर्व मंत्री और कई बार रहे सांसद आदरणीय सलीम शेरवानी साहब, पूर्व सांसद आदरणीय ब्रजेंद्र सिंह जी, बड़ी संख्या में मंच पर उपस्थित हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक, पूर्व विधायक, एमएलसी, संगठन के सभी पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष राजपाल कश्यप जी, बड़ी संख्या में सभी समाजवादी साथी और इनके साथ साथ मंच पर उपस्थित हैं महान दल के बड़ी संख्या में नेता और पदाधिकारी जो मंच पर उपस्थित हैं। मैं इस मौके पर, जहां ये किसान महापंचायत हो रही है, इस किसान महापंचायत के आयोजन के लिए महान दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव प्रसाद जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं महान दल के लोगों का इसलिए धन्यवाद देता हूं कि जहां पर दिल्ली से लेकर के पूरे देश के किसान इस सरकार के खिलाफ खड़े दिखाई दे रहे हैं और इस सरकार को कोई परवाह नहीं है कि आखिरकार हमारे देश के किसान क्या चाहते हैं। जिस समय कड़ाके की सर्दी थी, जिस समय कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, हम और आप लोग कितने भी कपड़े पहन लें, उसके बावजूद भी सर्दी शरीर को लग जाती थी। पानी बरसा, ओस गिरी और तमाम हमारे किसान भाइयों की जान चली गई। जो आंकड़े आ रहे हैं, किसान जो बता रहे हैं, 250 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हो चुकी है, जान जा चुकी है। ये सरकार सुन नहीं रही। उस समय पर महान दल और समाजवादी पार्टी ने मिलकर के ये जो फैसला लिया है, इसके लिए हम एक एक किसान भाई को, नौजवान भाई को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं। कहने को तो ये किसान महापंचायत है, लग जो रहा है वो किसान महापंचायत, लेकिन किसानों के साथ हमारे नौजवान भी आए हैं, तो किसान पंचायत तो है ही है, लेकिन नौजवान पंचायत भी हमें दिखाई दे रही है। और जिस प्रदेश के किसान नौजवान एक हो जाएं, जिस प्रदेश के किसान नौजवान एक हो जाएं, और जिस देश के किसान नौजवान वही पुरानी बात कहने लगे कि जय जवान जय किसान, तो बताओ ये सरकार वाले बचेंगे कि नहीं बचेंगे। और जो हमें आपको न जाने क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ा, अभी वैश्विक महामारी आई, जिसके कारण हमें आपको सबको अपना मुंह और नाक बंद कर करके रहना पड़ा। हम लोग घरों में कैद कर दिए गए, हम सब घरों में रहे, कोई ऐसा नहीं बचा होगा जिसको सरकार की वजह से और वैश्विक महामारी की वजह से परेशानी का सामना न करना पड़ा हो। हमने आपने सरकार का कहना माना, बताओ हमने आपने सरकार का कहना माना क्या नहीं माना? हम लोग मानते रहे कि अपना मुंह भी बंद कर लिया, नाक भी बंद कर ली, लेकिन हम सरकार से जानना चाहते हैं, वैश्विक महामारी ने हमारे नाक और मुंह बंद कर दिए, लेकिन वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से सरकार ने अपनी आंख
और कान बंद कर करके बैठे हुए हैं, उन्हें किसानों नौजवानों की आवाज सुनाई नहीं दे पा रही है। और जिस समय किसान हम अपना हक मांग रहे थे, उस समय ये सरकार के लोग क्या कह रहे थे हमें और आपको, इस तरह के आंदोलन को बदनाम करना चाहते थे, और बदनाम करने के लिए न जाने क्या क्या बातें कही गई। हमारे किसान एमएसपी मांग रहे थे, किसानों ने कहा हमें एमएसपी दे दो, एमएसपी दे दो, लागत का हमें मूल्य दे दो, लेकिन सरकार ने कहा ये आतंकवादी हैं। किसानों को इतना अपमान कभी किसी सरकार ने नहीं किया होगा जितना इस सरकार ने अपमानित किया है। किसानों को क्या क्या नहीं कहा गया, किसानों को आतंकवादी कह दिया गया, किसानों को देशद्रोही कह दिया गया, किसानों के समर्थन में किसान आए तो उन्हें गुंडा कह दिया, किसानों को दलाल कहा गया। भारतीय जनता पार्टी ने यहीं तक नहीं रुके, भारतीय जनता पार्टी के लोग, उन्होंने कहा कि ये चीन और पाकिस्तान के एजेंट हैं किसान, ये न जाने क्या क्या बातों को कह करके अपमानित करते रहे किसानों को। लेकिन आज मैं जब कासगंज में देख रहा हूं, ये किसान, ये नौजवान जो दिखाई दे रहे हैं, जिन्हें अपमानित किया सरकार ने, जिन्हें अपमानित होना पड़ा, वो इस सरकार को इस बार कुर्सी से उतारने का काम करेंगे। और जब तक आप इन्हें कुर्सी से नहीं उतारोगे, हम किसान भाइयों आपसे कहना चाहते हैं, अगर कोई रास्ता बचा है अब लोकतंत्र में, तो वो रास्ता केवल आप निकाल सकते हैं, हमारे किसान और नौजवान। जब तक इनको आप कुर्सी से नहीं उतारोगे, तब तक किसानों के वो कानून वापस नहीं होंगे। आप कुर्सी से उतार दो, कानून अपने आप वापस हो जाएंगे, कोई उसको रोक नहीं सकता है। किसानों के लिए कानून बना दिए गए, किसान के ऊपर ऐसे कानून थोप दिए गए, यहां तो सब किसान हैं, यहां तो सब उपस्थित किसान हैं, कोई ऐसा नहीं है जो कोई ऐसा उद्योगपति हो। जितने हमें दिखाई दे रहे हैं सब किसान या किसान के बेटे हैं, और जो मंच पे भी बैठे हैं वो भी किसान हैं। और मैं किसान भाइयों आपसे कहना चाहता हूं, हम समाजवादी पार्टी के लोग जरूर हैं, हम महान दल के लोग जरूर हो सकते हैं, हम महान दल समाजवादी पार्टी के सदस्य हो सकते हैं, हमारी पार्टी हो सकती है, लेकिन सही मायने में तो हम लोग किसान हैं जो जमीन पर खेती करते हैं, पैदावार करते हैं। याद करो किसान भाइयों, ये जो कानून है, ये कानून आपको बर्बाद कर देंगे, इसलिए हम आपको जगाने आए हैं, हम आपसे मदद भी मांगने आए हैं। किसान भाइयों, ये तीनों कानून जो लागू हो जाएंगे, फिर आपके हाथ में नहीं बचेगा कुछ। याद करो वो दिन जिस समय भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि नोटबंदी हो जाएगी तो सब काला धन वापस आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। बताओ हमारे किसान भाइयों, आपने मदद की, हमने मदद की, सबने मदद की, हम सब लोग लाइन में लग गए और अपना पैसा जमा करा के आ गए। बताओ वो काला धन कहां है, भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं वो काला धन कहां है। और उन्होंने कहा कि जिस समय नोटबंदी हो जाएगी भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा। बताओ पुलिस का भ्रष्टाचार बढ़ गया है कि कम हो गया, ये आप बता दो हमें। बताओ तहसील का भ्रष्टाचार बढ़ गया कि कम हो गया। यही लोग जो नोटबंदी, और नोटबंदी का समय याद करो, हम आप सब लाइन में लग गए थे, न जाने कितने लोगों की जान चली गई, कोई परवाह सरकार ने नहीं की, लोगों की जान चली गई, लोग मर गए लाइन में लग करके। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे हैं जो लोगों को मार रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं, नोटबंदी कर करके पूरे देश में न जाने कितनों की जान चली गई। और अभी जब देश बंद हुआ लॉकडाउन में, क्या आप कल्पना कर सकते हो, लॉकडाउन में देश बंद कर दिया, हमारे मजदूर कहां कहां से चल करके आए, महाराष्ट्र से चल करके आए, गुजरात से चल करके आए। और सोचिए
हमारे उत्तर प्रदेश के मजदूर जो महाराष्ट्र में थे, गुजरात में थे और गुजरात के प्रधानमंत्री, लेकिन कोई इंतजाम नहीं किया गया। हमारा उत्तर प्रदेश का मजदूर, बिहार का मजदूर पैदल चल चल करके आ गया, न जाने कितने लोगों की जान चली गई, लोग घर नहीं पहुंच पाए मजदूर हमारे। क्या सोच सकते हो ये बातें कि हमारा मजदूर महाराष्ट्र से चला हो, गुजरात से चला हो, किसी ने मदद ना की हो, पैदल पैदल अपनी जान बचाने को लेकर के अपने घर गांव पहुंचा। कई ऐसे मजदूर हैं जो गांव घर नहीं पहुंच पाए, वो रास्ते में ही कहीं एक्सीडेंट हो गया, किसी कारण उनकी जान चली गई, कोई मदद भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। अगर किसी मजदूर की मदद की है तो वो समाजवादी पार्टी के लोगों ने मदद करने का काम उन मजदूरों का किया है। और आज के दिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि विश्व गुरु बनेगा हमारा। ये बताओ हमें किसान भाइयों, नौजवानों, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे हों, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे हों, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे हों, उसमें कैसे विश्वगुरु बन सकता है देश? बताओ हमारा विश्वगुरु कैसे बन सकता है? और विश्वगुरु का सपना देख रहे हैं, दुनिया में जा जा करके भारत का प्रचार करते थे, लेकिन दुनिया ने देखा है कि भारत ने अपने मजदूरों को, गरीबों को कैसे छोड़ दिया। कभी कभी मैं सोचता हूं, एक मां जो कहीं महाराष्ट्र से चली थी, एक मां गर्भवती थी, महाराष्ट्र से चली पैदल पैदल, और वो ललितपुर में आकर के उसको बेटी पैदा हो गई। हजार किलोमीटर चली पैदल गर्भवती मां, कोई मदद सरकार ने नहीं की। वो जब गर्भवती मां थी, पैदल चल रही थी, कोई इंतजाम सरकार ने नहीं किया, कोई मदद नहीं हुई। और वो ललितपुर जब पहुंची आपके उत्तर प्रदेश में, उसको बेटी पैदा हुई, 2 घंटे उसने इंतजार किया, उसके बाद फिर चल दी और वो जाकर के अपने घर और गांव पहुंच गई। हम जानना चाहते हैं सरकार के लोगों से कि अगर आप विश्वगुरु बनना चाहते हो और एक गर्भवती मां को सड़क पर छोड़ देते हो आप, बताओ दुनिया आपको कैसे विश्वगुरु मानेगी? कैसे मानेगी आपको विश्वगुरु? उस मां की कोई मदद नहीं की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने। अगर किसी ने मदद की, जब गर्भवती मां के यहां बेटी हुई, तो समाजवादी लोग 1 लाख रुपए लेकर के उस मां को मदद करने का काम किया है। ऐसे ऐसी दुख भरी कहानियां कि एक बेटी अपने पिता को साइकिल पर बैठा करके बिहार पहुंच गई, कौन नहीं जानता बताओ, एक बीमार बाप को बेटी बैठा करके साइकिल पर बिहार पहुंच गई। ऐसी दर्दनाक कहानियां, न जाने कितने लोगों की जान चली गई, कारखाने बंद हो गए, उद्योग बंद हो गए। यही बाजार में पूछो व्यापारियों से कि जीएसटी से, नोटबंदी से और लॉकडाउन से आपका कारोबार खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया? ये हमारे छोटे दुकानदार बर्बाद हो गए, 1 साल से इन्हें काम नहीं मिल रहा है। और उसी वैश्विक महामारी के अंदर ये 3 कानून पास कर दिए, 3 कानून। ये 3 कानून ऐसे हैं, आपकी खेती और आपकी जमीन बड़े लोगों के हाथ में चली जाएगी। लोग कहते हैं नहीं होगा, बीजेपी के लोग कहते हैं नहीं होगा। मैं कितने उदाहरण दूं बताओ आपको, याद करो, आपकी सरकार की कंपनी थी VSNL, आपका नेटवर्क VSNL था, सरकार की कंपनी बताओ, किसी के मोबाइल में हो तो बता दो हमें, सरकार की कंपनी का नेटवर्क किसी की जेब में हो तो हमें बता दो, जो मोबाइल आपके हाथ में है। केवल एक फैसले ने आपके भारत की टेलीफोन की कंपनी के पूरा का पूरा नेटवर्क एक प्राइवेट हाथ में दे दिया, और प्राइवेट हाथ में ऐसा दिया कि वो आपके मोबाइल में आकर के मोबाइल के साथ साथ आपकी जेब में भी पहुंच गया। याद करो वो समय आप लोग जब समाजवादी पार्टी लैपटॉप बांट रही थी, याद कीजिए समाजवादी पार्टी नौजवानों को लैपटॉप दे रही थी। इसी कासगंज में, एटा में भारतीय जनता पार्टी का एक नेता आया था, उसने कहा था कि समाजवादी पार्टी के लोग जात के आधार पर लैपटॉप देते हैं, धर्म के आधार पर लैपटॉप देते हैं। मैं उन्हीं भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूं
कि आपके मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में बाबा मुख्यमंत्री हैं, योगी मुख्यमंत्री हैं, बताओ वो लैपटॉप क्यों नहीं बांट रहे हैं? और सोचो नौजवान, सोचो नौजवान साथियों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लैपटॉप क्यों नहीं बांट रहे हैं? क्योंकि उन्हें चलाना नहीं जानते, चलाना नहीं आता उन्हें। और अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लैपटॉप चलाना आता तो हमारे नौजवानों के हाथ में वो लैपटॉप देते, उनका भविष्य बेहतर होता। हमारे मुख्यमंत्री कमाल के मुख्यमंत्री हैं, इतने कमाल के मुख्यमंत्री दुनिया में किसी ने नहीं देखा होगा। कभी देखा है उन्हें आपने? सोचो, लाल टोपी देख के पता नहीं क्या हो जाता है उन्हें। जैसे ही वो लाल टोपी देखते हैं उनका पता नहीं क्या हो जाता है। अभी हमने सुना विधानसभा में, अभी विधानसभा में मैंने सुना अपने मुख्यमंत्री जी को, हमने सुना विधानसभा में कहा कि वो एक ढाई साल का बच्चा था, एक ढाई साल के बच्चे से मुख्यमंत्री जी मिले। बताओ, हमारे मुख्यमंत्री जी ढाई साल के बच्चे से मिले और ढाई साल के बच्चे ने उन्हें बताया कि लाल टोपी वाले ऐसे हैं, लाल टोपी वाले ऐसे हैं। मैंने उनसे कहा कि जो बात आप गुंडा और इस तरह की बात कर रहे हो, माफिया वाली बात, हम तो कहते हैं उसी ढाई साल के बच्चे के पास एक लाल टोपी वाले की फोटो ले जाना और एक अपनी फोटो ले जाना और मुख्यमंत्री जी पूछ लेना उस ढाई साल के बच्चे से कि कौन क्या है, वो ढाई साल का बच्चा बता देगा। बताओ, ढाई साल का बच्चा बता देगा कि नहीं बता देगा? लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं, क्योंकि यहां जितने लोग हैं सब परिवार के लोग आए हुए हैं, सब परिवार के लोग हैं, मैं कभी कभी सोचता हूं कि ढाई साल का बच्चा बोलता कैसे होगा। और मैं जाता हूं, मैं आपसे कहता हूं, आप जाओ घर पे पूछना उससे, ढाई साल के बच्चे से क्या बता पाएगा वो बेचारा ढाई साल का बच्चा। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री देखो, वो कह रहे हैं कि ढाई साल का बच्चा सब बता देगा। और मैं कहता हूं कि कभी कभी सुनता हूं मैं विधानसभा में, कहते हैं ठोक दो, ये ठोक दो मुख्यमंत्री हैं, और इस बार जनता ठोक देगी वोट से, इनको पता ही नहीं लगेगा। ये ठोक दो मुख्यमंत्री जो हैं, किसी की भाषा ऐसी हो सकती है? सोचो आप, किसी की भाषा हो सकती है क्या इस तरह की? क्या ठोक दो, इनके पेट का दर्द है, पेट का दर्द ठीक हो जाएगा। ये माफिया हैं, ये गुंडे हैं, ये घरों को बुलडोजर चला दो, ये कोई मुख्यमंत्री हैं? और ये हमारे पुलिस के लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, इनका भी वेतन कटा हुआ है, सबका वेतन कटा हुआ है। बताओ, आपका नहीं वेतन कटा क्या? पूछो जरा बगल में, वेतन कितना कट गया इनका वैश्विक महामारी में? इनका हजारों का नुकसान हो रहा है, इसीलिए हजारों वसूल रहे हैं आपसे। और याद रखना, याद रखना, योगी वही होता है, योगी वही होता है जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे, वो योगी होता है। बताओ किसानों, तुम्हारा दुख ही मुख्यमंत्री समझ पा रहे हैं क्या? नौजवानों, तुम्हारे हाथ में काम नहीं है, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, बताओ तुम्हारा दुख क्या समझ पा रहे हैं मुख्यमंत्री? इसलिए साथियों, हम कहना चाहते हैं आपसे, कभी कभी समय होता है, कभी कभी लोगों को मौका मिल जाता है, जो कहावत है ना कि धूल में लठ लग गया है, यही तुक्के से मुख्यमंत्री बन गए हैं, तुक्के से। और अभी तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदले हैं,
अभी तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदले हैं, जिस दिन विधायकों को पता लग जाएगा कि उनकी टिकट कटने वाली है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी सफाया हो जाएगा, वो अपने कुर्सी पर नहीं टिक सकते। वो लिस्ट छुपाए छुपाए घूम रहे हैं कि विधायकों को पता ना लग जाए, विधायकों को पता ना लग जाए, विधायकों को पता ना लग जाए कि उनकी टिकट कटने वाली है। सोचो आप क्या, कहां प्रदेश किस रास्ते पे जा रहा था। समाजवादी लोगों ने ऐसी सड़क बनवाई, हमें गर्व है इस बात का, हमें खुशी है इस बात की कि हमने ऐसी सड़क बनवाई जो देश की सबसे सुंदर और अच्छी सड़क है। आगरा से लखनऊ और कासगंज वालों मैं आपको आज कह के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो उसी तरह की सड़क से हम कासगंज को जोड़ने का काम करेंगे। और वो सड़क ऐसी बनी है कि जिस समय उद्घाटन हुआ था, जिस समय उद्घाटन कराया गया था नेताजी से, दुनिया के सबसे बेहतरीन लड़ाकू विमानों को वहां उतारा गया था। उसमें सुखोई उतर गया, मिराज उतर गया, और हरक्यूलिस से बड़ा कोई हवाई जहाज नहीं है, वो भी समाजवादी पार्टी के लोगों ने सड़क पर उतारने का काम किया था। इसलिए साथियों, हम तरक्की और खुशहाली चाहते हैं। ये महान दल के लोग आए हैं, हम इनको बधाई देते हैं। ये महान दल के लोग भी हमारे जैसे हैं, ये महान दल के लोग भी हमारे आपके जैसे हैं। ये महान दल के लोगों को बधाई देना चाहते हैं, और ये महान दल के लोगों, हमारा आपका रिश्ता पक्का वाला है, और ये रिश्ता इसलिए पक्का वाला है क्योंकि आप भी पिछड़े हो, हम भी पिछड़े हैं। आपको भी धोखा मिला, हमें भी धोखा मिला, आप धोखा खाए, हम भी धोखा खाए, और देखो धोखा खाने वाले लोग अब मिल गए हैं। हम सबको एक साथ जोड़ेंगे और उस समय हम लोग आगे परिवर्तन करने का काम करेंगे। और हम लोग ऐसे ही पिछड़े पिछड़े नहीं हैं, हम लोग, आप, मैंने कहा आपने मान लिया कि हम लोग पिछड़े हैं, ये सच है कि हम लोग पिछड़े हैं, लेकिन हमारे काम अगड़ों से अच्छे हैं। बताओ काम का कोई मुकाबला करेगा? ये इन पुलिस वालों से पूछिए, 100 नंबर था आपका। हमने कहा कि थाने में परेशानी नहीं होगी गरीब जनता को, गरीब जनता थाने क्यों जाए, उसको न्याय देने के लिए पुलिस पहुंचे, उसके गांव में पहुंचे, खेत पे पहुंचे, उसकी मदद करे जाकर के, वो इंतजाम समाजवादियों ने किया था। आप फोन मिलाते थे, पुलिस पहुंचती थी। ये दुनिया की सबसे बेहतरीन व्यवस्था दी मैंने, और ये व्यवस्था इसलिए खराब कर दी मुख्यमंत्री जी ने क्योंकि वो न्यूयॉर्क नहीं जानते, न्यूयॉर्क कहां पर है। न्यूयॉर्क अगर जानते होते तो कहते कि हां, ये न्यूयॉर्क की जो पुलिस है, जिस तरीके से अमेरिका की न्यूयॉर्क की पुलिस चलती है, उसी तरीके से हमने अपनी उत्तर प्रदेश को चलाने का काम किया था। ये जितने पुलिस वाले खड़े हैं इनसे पूछना, 100 नंबर से बेहतरीन कोई व्यवस्था आपने देखी हो तो हमें बता दो आप। और ये सरकार के लोग इसलिए चिढ़ते थे, ये सरकार के लोग इसलिए चिढ़ते थे क्योंकि समाजवादी लोगों ने इन्हें प्रमोशन भी दिया। ये कभी सिपाही से हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल से ऊपर नहीं बन सकते थे। अगर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रमोशन किसी ने दिया तो समाजवादी लोगों ने दिया है। और हमारे हेड कांस्टेबल वाले तो, उन पे तो डीजल पेट्रोल नहीं होता तो थाने में गाड़ी कैसे चलती, बताओ। थाने में क्या डीजल पेट्रोल मिलता था आप बताओ, सोचो कभी। किसी थाने में डीजल पेट्रोल नहीं मिलता था। आप जब जाते थे अपनी परेशानी लेकर के, तो आप ही से पुलिस कहती थी पैसा दो तब गाड़ी चलेगी, पैसा नहीं दोगे तो गाड़ी और पुलिस नहीं चलेगी। यह व्यवस्था थी उत्तर प्रदेश में। उस व्यवस्था को अगर किसी ने बदला है तो समाजवादी लोगों ने बदला है। हम आज कह के जा रहे हैं अपने गरीबों को, किसान भाइयों को, आपको थाने में नहीं जाना पड़ेगा, आप फोन मिलाना गांव में, पुलिस आएगी, आपकी मदद करेगी और आपकी सेवा करने का काम पुलिस करेगी। ये इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे। और हमारे
हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी ने क्या किया, 100 नंबर का 112 कर दिया। अरे टायर ही बदल देते, कुछ तो बदल देते तो 112 कर देते। 100 का 112 नाम बदल दिया। और मैं महान दल के लोगों से कहना चाहता हूं, हमारे मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, हमारे मुख्यमंत्री इतने अच्छे हैं कि लखनऊ जाओ एक नाम से और जब वापस आओगे तो दूसरे नाम से हो जाओगे। ये जरूरी नहीं है कि आप जाओ नाम से उसी नाम से वापस आ जाओ। हमारे मुख्यमंत्री नाम बदल देते हैं, उनका सबसे बड़ा विकास कार्य यही है कि वो नाम बदल देते हैं। न जाने कितने नाम बदल दिए उन्होंने। और ये पहली सरकार है जो शिलान्यास का शिलान्यास कर रही, उद्घाटन का उद्घाटन कर रही और एमओयू का एमओयू कर रही है। और ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो अपना उद्घाटन भूल जाते हैं फिर उसी का उद्घाटन कर देते हैं। सोचो ऐसी सरकार है। इसलिए ऐसी सरकार, और जिसने उत्तर प्रदेश को न जाने कहां ले लिया करके छोड़ दिया, यही सोरो पटियाली हमारी न जाने कितनी पुरानी संस्कृति की पहचान है। अगर पटियाली में है कव्वाली और हमारे मुस्लिम भाइयों की और अमीर खुसरो की अगर पैदाइश है, अगर मुस्लिम भाइयों वहां से जुड़े हुए हैं तो हमारे हिंदू भाई भी सोरो से जुड़े हुए हैं। ये हमारा अलीगंज, हमारा कासगंज, हमारा ये जिला, ये पहचान है गंगा जमुनी तहजीब का। हमारा ये जिला पहचान है हिंदू मुस्लिम एकता की। और सोचो भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, हमारे आपके बीच में नफरत फैला रही है। ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं, ये झगड़ा लगाने वाले लोग हैं। अगर इस जिले को हमें अगर और अच्छा बनाने के लिए कुछ ज्यादा खर्चा भी करना पड़ेगा सरकार बनने पर, तो समाजवादी लोग पीछे नहीं हटेंगे। और इसलिए हम इस जगह का विकास करना चाहते हैं क्योंकि मां गंगा यहीं से जा रही हैं, मां गंगा यहीं से निकली हैं। हम और आप लोग अपना न जाने कितने मेलों में, कार्यक्रमों में गंगा में स्नान लेते हैं, ये हमारी आपकी परंपरा है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है हम गंगा को साफ कर देंगे। बताओ कितने साल गुजर गए, गंगा कहां साफ हुई है बता दो हमें। और यहीं गंगा तो भूल जाओ, यहीं से बगल से काली नदी जा रही होगी, यही काली नदी जा रही होगी। बताओ काली नदी हमारी कितनी साफ हो गई है। और अगर काली नदी साफ नहीं होगी तो हमारी मां गंगा कभी साफ नहीं हो सकती है। यह भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते ही नहीं है कि काली नदी कहां जाकर के गंगा में जुड़ जाती है। ये गंगा में वहीं जुड़ती है जहां पर कन्नौज शुरू हो जाता है, वहां पर जाके काली नदी गंगा से जुड़ जाती है। ये गंगा को धोखा दिया इन्होंने, धर्म को धोखा दिया, भगवान को धोखा दिया, हमारे किसानों को भी धोखा दिया, नौजवानों को भी धोखा दिया। इस महापंचायत में फैसला होगा किसान और हमारा नौजवान जिसको धोखा दिया सरकार ने, उस सरकार को सबक सिखाने के लिए खड़ा है। इसलिए हमारे कासगंज के नौजवानों, हम जानते हैं नौजवान साथियों, जब हम दुनिया के आंकड़े देखते हैं और दुनिया के देशों की खुशहाली के बारे में जब पढ़ते हैं तो देखते हैं कि हमारा देश हर चीज में पिछड़ा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे आंकड़े बताते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए झूठ बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमने उत्तर प्रदेश की लोगों की आय दोगुनी कर दी है। बताओ हमें नौजवानों, बताओ किसानों, तुम्हारी आय कहां दोगुनी हो गई?
कहते हैं हमने करोड़ों नौकरी दे दी। नौजवान बताओ कासगंज के किसको नौकरी दे दी इन्होंने। इसलिए नौजवान साथियों, जब आपके बारे में हम लोग सोचते हैं क्या भविष्य बचा है, अगर नौकरी रोजगार नहीं मिला आपको तो कोई भविष्य नहीं है। आपकी उम्र बढ़ती चली जा रही है। समाजवादियों ने विकास का रास्ता खोला था, नौकरी और रोजगार का रास्ता खोला था, इन्होंने सब रास्ते बंद कर दिए हैं। जब दुनिया में तरक्की हो सकती तो अपने देश में तरक्की क्यों नहीं हो सकती। अगर दुनिया में चीजें और आगे जा रही हैं तो हमारे देश में क्यों नहीं आगे हो जा सकती हैं। अगर मोबाइल आ सकता है, नेटवर्क आ सकता है, चीजें आ सकती हैं कारोबार बढ़ाने के लिए, आप उद्योगपतियों को लाभ पहुंचा सकते हो, तो क्या उन्हीं उद्योगपतियों को कहकर के आप कारखाने और उद्योग नहीं लगा सकते। आप जिनको आप लाभ पहुंचा रहे हो, सोचो आप डीजल और पेट्रोल कहां बढ़ गई कीमत, ये डीजल पेट्रोल बढ़ती चली जा रही है। हमने तो केवल ये जानना चाहा कि ये डीजल पेट्रोल की जो कीमत बढ़ी है, आखिरकार डीजल पेट्रोल की कीमत के बढ़ने का मुनाफा जा कहां रहा है, जना कहां मुनाफा जा रहा है बताओ। डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? उज्ज्वला सिलेंडर का क्या हाल है बता दो आप। तो ये सरकार महंगाई बढ़ा रही है डीजल पेट्रोल की, और जिस समय डीजल पेट्रोल की महंगाई होती है, हर चीज बाजार में महंगी हो जाती है, महंगाई को आप रोक नहीं सकते, ये महंगाई बढ़ा रहे हैं। और बताओ बिजली की कीमतें क्या हैं। हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने आज तक कोई बिजली का कारखाना नहीं लगाया। अगर कोई कारखाना हमारे मुख्यमंत्री ने लगाया हो तो बता दो आप। ये एटा में जो लग रहा है, ये सबसे बड़ा बिजली का कारखाना एटा में लगाया, वो समाजवादी पार्टी के लोगों ने लगाना शुरू किया है। बिजली का कारखाना लगाया नहीं, और बिजली कितनी महंगी कर दी आपकी बताइए आप। मीटर ठोक दिए, बिजली है नहीं, मीटर ठुकवा दिए गए हैं। बताओ मीटर ठुक गए कि नहीं ठुक गए, और बिजली महंगी हो गई कि नहीं हो गई। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने एक बिजली का कारखाना नहीं लगाया। अगर एक कोयले से बनने वाली बिजली का एक कारखाना लगाया हो तो बता दो। और वो बात तो अलग है, कारखाना कब लगेगा। बिजली के कारखाने का नाम आज तक नहीं अपने मुंह से लिया होगा उन्होंने, अपने मुंह से आज तक नहीं कहा होगा कि एटा में 3x660 सुपर क्रिटिकल बिजली का प्लांट लगने जा रहा है, एक भी बार नहीं बोला होगा उन्होंने। तो बिजली लगाई नहीं, बिजली महंगी कर दी। तो इसलिए सोच से जाना हमारे किसान भाइयों, नौजवानों तुम्हारे हाथ में नौकरी नहीं है। और मैं कह के जा रहा हूं पुलिस भर्ती का इंतजाम किया था हम लोगों ने, उसमें कोई परेशानी देनी पड़ती थी, आपको केवल दौड़ के दिखाना पड़ता था। आने वाले समय में सरकार बनेगी तो ऐसे नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का इंतजाम समाजवादी लोग करेंगे, क्योंकि नौजवानों के हाथ में नौकरी और रोजगार होगा तो हमारे समाज, हमारे प्रदेश और देश का भविष्य भी बेहतर होगा। अगर इनके हाथ में नौकरी नहीं होगी, काम नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा, तो हमारे समाज का, हमारे परिवारों का, हमारे देश का भविष्य बेहतर नहीं हो सकता। इसलिए इस मौके पर आप जब इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश करेंगे, जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग साजिश करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, और हो सकता है हमारे और आपके ऊपर हमला भी कराएं ये लोग। ये साजिश करने वाले लोग हैं, ये षड्यंत्र करने वाले लोग हैं। आप देखो बंगाल का चुनाव किस तरीके से हिंदू और मुस्लिम के आधार पर चुनाव लड़ रही भारतीय जनता पार्टी, जानबूझ करके समाज में नफरत फैला करके राजनीति कर रही है। इनके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है, और विकास पे इसलिए नहीं बात करते हैं क्योंकि विकास हमें और आपको जोड़ता है, हमें और आपको खुशहाली के रास्ते पे ले जाता है। इसलिए ये जानबूझ करके जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा ये साजिश और षड्यंत्र करेंगे। जहां आपको बीजेपी से सावधान रहना है, वहीं और दलों से भी आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में ये जान गए हैं
ये जान गए हैं कि सरकार किसकी बनने जा रही है। सब जान गए हैं साइकिल आ रही है, और जब साइकिल आ रही है तो हमें और आपको बहुत समझदारी से काम लेना पड़ेगा, बहुत समझदारी से काम करना पड़ेगा। और धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे और दलों को भी साथ ले लें, लेकिन बड़े दलों से कोई समझौता नहीं करेंगे हम लोग, बड़े दलों से कोई समझौता समाजवादी पार्टी नहीं करेगी। हम करेंगे, अपने महान दल से भी करेंगे, आरएलडी से भी करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय पार्टियों से कोई समझौता समाजवादी पार्टी नहीं करेगी। इसलिए मैं आपको बधाई भी देना चाहता हूं और महान दल के एक एक कार्यकर्ता को बधाई देना चाहता हूं। ये जो हम लोग आज साथ साथ काम कर रहे हैं, इसी तरह साथ साथ काम करेंगे, क्योंकि जो मुद्दे आपके हैं वही मुद्दे हमारे हैं, जो हमारे मुद्दे हैं वही मुद्दे आपके हैं, जो परेशानी आपकी है वही परेशानी समाजवादियों की है। ये तो धोखा लेकर के वोट ले लिए, और हम लोग कौन नहीं जानता, हमने सबने पढ़ी है रामायण, सबने महाभारत पढ़ा है, न जाने क्या क्या बातें धोखे से हुई हैं। धोखा देके वोट ले लिया इन्होंने, और अब सरकार जब चल रही है तो सच्चाई कहां पर, ये सोचो आप। ना आपको धान की कीमत मिल रही, ना मक्के की कीमत मिलेगी, ना दूध को कोई पूछ रहा, ना जानवर कोई पूछ रहा, ना नौकरी, ना रोजगार, ना महंगाई कम कर रहे हैं, और हमारे देश की जो अच्छी कंपनियां थी सब बेचे जा रहे हैं। हमारी जो कीमती कंपनियां थी, ट्रेन बिक रही, हवाई जहाज बिक रहा, हमारे अभी अध्यक्ष जी ने हमें चैन दे दी एक सोने की। हम तो कहेंगे अपना पैसा गिनो और कोई ट्रेन तुम भी खरीद लो तो हम सब फ्री चला करेंगे। ट्रेन बिक रही कि नहीं बिक रही बताओ, हवाई जहाज बिक रहे हैं कि नहीं बिक रहे। हम अपने जिलाध्यक्ष जी से कहेंगे एक ट्रेन खरीद लो हमारे लिए, अरे हम लोग चला करेंगे फ्री उसी पर, क्योंकि रेल बिक रही है, जमीनें बिक रही हैं। और जो लोग इतिहास जानते होंगे, इतिहास के पन्ने पलटना आप लोग, एक कानून बना जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सरकार बना दिया। एक ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों की आई थी भारत में, वो काम कर रही थी, कारोबार कर रही थी, बिजनेस कर रही थी, यहां से कॉटन ले जाती थी, मसाला ले जाती थी, वो एक कंपनी थी, वो सरकार नहीं थी। लेकिन ब्रिटेन में एक कानून पास हुआ, वो कंपनी सरकार बन गई, और कितने दिन हम लोगों को, आप लोगों को गुलाम रखा, हमें आपको लड़ना पड़ा, शहीद हो गए, लाखों लोगों की जान चली गई, तब जाकर के हमारा भारत देश आजाद हुआ। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार को कंपनी बना रहे हैं, जो सरकार की चीजें हैं वो बेच रहे हैं, हवाई जहाज बिक रहा है, सब कुछ बिकता चला जा रहा है। अगर सब कुछ बिक जाएगा तो महान दल के लोगों बताओ तुम्हें आरक्षण कौन देगा, बताओ महान दल के लोगों, हमें मिले ना मिले, हम लोगों का तो झगड़ा लाल टोपी वाला है, लेकिन महान दल के लोगों बताओ ये सब कुछ बिक जाएगा तो आपको आरक्षण कौन देगा, बताओ नौकरी कौन देगा आपको। संविधान की धज्जियां उड़ा रही हैं, जा रही हैं, संविधान ने जो हमें अधिकार दिए, आपको अधिकार जो मिले, बताओ वो अधिकार आपको मिलने हैं कि नहीं मिलने हैं, बताओ आप। अरे आप तो कहते हो झगड़ा हमसे है, लेकिन सोचो क्या क्या आपसे छीन लिया गया, बताओ। हमें लाल टोपी वालों को नौकरी मिली ना हो, लेकिन महान दल वाले बताओ तुम्हें एमएसपी धान की कहां मिल गई है, बताओ पहले। तुम्हारा धान 1800 रुपए का कहां बिक गया, कहीं बिका हो तो बताओ, और तुम्हें नौकरी अलग से मिल गई हो तो बता दो आप। तो सोचो हम और आप सब एक से ही हैं। और हम तो आखिरी में इतना ही कहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत लाल टोपी से प्यार है, लाल टोपी लगते ही हम लोगों की शक्ल बदल जाती है, अच्छे दिखने लगते हैं। हम तो कहेंगे मुख्यमंत्री जी कभी आप भी एक दिन लाल टोपी लगा लो, बहुत अच्छे दिखोगे आप, क्योंकि वो बीजेपी के सदस्य नहीं है, वो बीजेपी के सदस्य नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य नहीं है,
इसलिए इस सरकार को हटाओ। हम अपने महान दल के लोगों को बधाई देते हैं और अपने समाजवादी साथियों को बधाई देते हैं। ये चुनाव की शुरुआत है, अभी चुनाव नहीं है, केवल महापंचायत चल रही है, तैयारी चल रही है आने वाली समय की। वो कहते हैं ये किसानों का आंदोलन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं ये पॉलिटिकल आंदोलन है। हम उनसे कहते हैं कि हम पहले किसान हैं फिर पॉलिटिकल पार्टी हैं। यहां जितने लोग खड़े हैं सब पे खेत हैं, और भारतीय जनता पार्टी को देखना हो तो हमारे खेत देखाइए, खेत में आजकल आलू लगा हुआ है, उठ रहा है आलू, उठाया जा रहा है कि नहीं है बताओ। यहां जितने खड़े लोग हैं इन पे खेत भी हैं, गाय भी और भैंस भी है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बताओ, तुम साजिश करते हो, षड्यंत्र करते हो, तुम्हारे खेत कहां पर हैं? जो खेत वाले नहीं हैं वो बताओ, खेत वालों के लिए हमारे लिए कानून बना रहे हैं। अगर कानून बनाना है तो हम लोग बनाएंगे कि कम से कम वो MSP मिलनी चाहिए जिसमें हमारे किसानों की पैदावार की आय दोगुनी हो जाए, वो MSP हमें मिलना चाहिए। और जब तक MSP नहीं मिलेगी आय दोगुनी वाली, तब तक हमारी तरक्की और खुशहाली नहीं हो सकती। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने नौजवानों को बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, और मैं आपसे अपील करता हूं, ये लड़ाई बहुत लंबी है, हमारे आपके भविष्य की लड़ाई है, हमारे आपके आने वाले समय का भविष्य कैसा हो, हमारे आपके सपनों की लड़ाई है। हम आपको आगे ले जाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग पीछे ले जाना चाहते हैं। हम आपके लिए सड़क, अस्पताल, बिजली, शिक्षा, आपको नौकरी, रोजगार देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको अंधकार में ले जाना चाहते हैं, इसलिए अंधकार से बचाओ, खुद बचाओ, औरों को बचाओ, और समाजवादी पार्टी और महान दल के लोगों को मजबूत करने का काम करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। महान दल समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव के सौदे मोर जिंदाबाद।